हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज वीडियो में हम जानने वाले IAB कंपनी के इन्वर्टर स्प्लिट एसी के बारे में। ये हमारे स्प्लिट एसी, इसको स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट चलता है, उसके बाद जो E8 एरियर शो करता है और बंद हो जाता है। तो E8 एरियर शो कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, क्या क्या चीज़ हमें चेक करना चाहिए, ये वीडियो में इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखें, आपको जरूर जानने सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके नए टेंशन नए लोग पास शेयर करें, जिससे और लोग भी सीख सके, देख सकें। अगर E8 इस तरह से एरियर शो कर रहा है तो ये प्रॉब्लम हमारा आउटडोर सेंसर का प्रॉब्लम है। यानी कि आउटडोर में हमारा PCB देख सकते रहेंगे, इसमें बहुत सी जो है कनेक्शन रहते हैं, जैक रहते हैं, ये सब लूज हो जाएगा या सेंसर खराब हो जाएगा, इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो हमें इसको जो एक एक पॉइंट चेक कर लेना चाहिए, सेंसर चाहे कनेक्टर रहते हैं, इस तरह से कनेक्टर रहता है, ये सब हमें चेक कर लेना चाहिए, कहीं लूज है या वायर जो कट गया है, पिट गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो नॉर्मली बेस तो ये जो है आउटडोर का सेंसर का प्रॉब्लम रहेगा इसमें 100%। तो आउटडोर में जो हमें गैस का पाइप जो रहता है, उसमें पाइप के जो गैस का टेम्परेचर चेक करने के लिए ये सेंसर लगा रहता है, यानी कि इसको एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर कहा जाता है आउटडोर में। अगर एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर अगर खराब रहेगा तो इस तरह से E8 शो करेगा एरियर। तो ये चीज़ होता क्या है, इसका जो पाइप जो इंटरनली गैस के टेम्परेचर को चेक करने, उसके प्रेशर को टेम्परेचर को चेक करने के लिए लगा रहता है। अगर इसका जो है खराब हो जाएगा या कनेक्शन लूज रहेगा, कोई प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, या तो फिर अगर सब कुछ सही है तो उसका आउटडोर जो रहेगा अगर गंदा रहेगा, डस्टी रहेगा, तभी उसका प्रेशर ज़्यादा आएगा, हीट होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो वो कंडीशन में भी इस तरह से एरियर शो करेगा। अगर आपका कनेक्शन वगैरह सब कुछ सही है, कनेक्टर जो रहते हैं वो प्रॉपर रिटाइट है, आप उसको निकाल करके वापस लगा दिए हैं, सब कुछ चेक कर लिए, चल रहा है, इसको आउटडोर को सर्विस कर दे, सर्विस करने से इसका जो टेम्परेचर गैस का प्रेशर जो रहता है, टेम्परेचर रहता है, वो नॉर्मल हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है, तो आपका PCB का फॉल्टी रहेगा, तो आपको PCB रिपेयर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ सकता रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ जानने सीखने को मिला रहेगा। आपको कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो में जरूर कुछ जानने सीखने को मिला रहेगा। अगर आपको जानने सीखने को मिला है तो वीडियो का फीडबैक जरूर दें, इसका कमेंट करें, आपको क्या चीज सीखने को मिला है, क्या चीज अच्छा लगा है। आप लोग देख सकते रहेंगे हमारे ASR सर्विस सेंटर पे बहुत सी से टेक्निकल वीडियो है, जो हमारा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मोटर्स, पंखा, हर चीज़ जो भी हमारा होम इक्विपमेंट, जो भी हमारे घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल्स मैकेनिकल्स आइटम्स रहते हैं, उस सबको रिपेयर करने के लिए हमारा इस चैनल पर बताया गया है, सिखाया गया है। अगर आप एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो भी आप ITI डिप्लोमा, इलेक्ट्रिशियन का ITI डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, तो चैनल आपके हेल्पफुल रहेगा। इस पर हम आप लोग को थ्योरिकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बहुत से हम बनाने वाले हैं, और भी हमारे बहुत से बना हुआ है आप लोग के हेल्प के लिए। आप लोग अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है उसको ऑन कर दें, जिससे और इस तरह से हम वीडियो बनाएं आप लोग के हेल्प के लिए, आप लोग के पास हम भेज सके और आप लोग भी सीख सके, दे सके। आप लोग भी नए टेक्निशियन, नए लोग का हेल्प जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।